सो गाइस ये वाली वीडियो होने वाली है स्पॉटिंग के ऊपर, BGMI, पबजी मोबाइल, कुछ भी आप लोग खेलते हो, अगर आप बंदे को स्पॉट नहीं कर पाते हो तो इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल जरूर से कर पाओगे। रिफ्लेक्स मारना हो या फिर कोई बंदा लेटा हुआ है घास पे उसको आपने स्पॉट करना है, और आपको कोई भी दिख नहीं रहा है आसपास बट आपको फिर भी उसको स्पॉट करके मारना है, तो उसके लिए आपको जो भी सेटिंग्स लगती है BGMI के अंदर वो सब बताऊंगा। और साथ में कुछ कुछ ऐसी भी चीजें जो कि बिना सेटिंग्स के आपके ब्रेन के अंदर ही होनी चाहिए वो सब भी बता दूंगा, जिससे कि आप लोगों का गेम काफी मस्त हो जाएगा। बिकॉज एक स्पॉटिंग ही ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है। बिकॉज अगर आपने स्प्रेज की प्रैक्टिस कर भी ली ट्रेनिंग ग्राउंड में, स्प्रेज आपके अच्छे हो गए, आप इजिली हेडशॉट मार पा रहे हो बोर्ड्स में ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, बट अब रियल मैच में अगर आपको बंदा दिख ही नहीं रहा है, स्पॉट ही नहीं हो रहा है, तो भाई क्या फायदा उस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बिकॉज ये वाली वीडियो देखने के बाद ना आपकी स्पॉटिंग स्किल्स ऐसी हो जाएगी कि बंदा आपको दिखेगा भी नहीं, आप मार दोगे, बंदे हैकर समझेंगे कोई भी स्पेक्टेट करेगा। बिकॉज ऐसा होता है मेरे साथ काफी बार, काफी क्या हमेशा ही होता है, बंदे दिखते ही नहीं है और मर जाते हैं बस। तो वो सारी ट्रिक्स आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलो फिर यार अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी करना। तो अब स्पॉटिंग ना दो तरीके की होती है, एक तो आप सामने से बंदे को देख रहे हो, बंदे को देखने के बाद स्पॉट कर रहे हो, यानी कि अगर कोई बंदा घास में लेटा हुआ है और उसको आप अपनी आंखों से देख के स्पॉट कर रहे हो, उसमें आपका ज्यादा दिमाग में काम नहीं है, सिंपल आप देख के उसको स्पॉट कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे एक बंदा लेटा था, इसको मैंने देख के स्पॉट करके मार भी दिया, और उसके जस्ट बाद एक गाड़ी भी आई जिसका साउंड भी आया, प्लस वो सामने से मेरे को दिख भी रहा था, तो उसको भी स्पॉट किया और उसको भी मार दिया। अब पहली तरीके की स्पॉटिंग में तो सामने बंदा था, लेकिन अब जो दूसरी तरीके की स्पॉटिंग है ना उस पर आपको बंदा दिखेगा ही नहीं, उस पर आपको बंदा नहीं दिख रहा है, उस पर आपके रिफ्लेक्स काम कर रहे हैं। अब रिफ्लेक्स के टाइम पे ना आपके आंखों से ज्यादा आपका जो साउंड सेंस है वो काम करता है। अगर आपका साउंड सेंस अच्छा है ना तो आप इजीली स्पॉट कर पाओगे। और मेन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 90% स्पॉटिंग में ना साउंड ही काम आती है। अब जैसे कि यहाँ पे एक बंदा था जिसका मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट यहाँ पे एक बंदा फायर करेगा, आप देखना कैसे रिफ्लेक्स पड़ता है इसको, तो ये स्पॉट किया मैंने साउंड के, मेरे को साउंड आई, वहां मैंने क्रॉस हेयर रखा, थोड़ा सा इधर उधर अपनी आईज का भी यूज किया कि बंदा कहाँ है, तो उस पर मैंने फिर एम खोला और इजीली उसको मार दिया। मैंने दोनों ही तरीके की स्पॉटिंग के बारे में आपको बता दिया है, अब ये करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ जो कि मेन टॉपिक है अपना। तो जो पहले तरीके की मैंने आपको स्पॉटिंग बताई थी, सामने से आपको घास में अगर लेटा हुआ बंदा ढूंढना है तो उसके लिए ना आपकी जो ग्राफिक सेटिंग्स है वो अच्छी होनी चाहिए, उसी की वजह से आपको पता चलेगा कि बंदा कहाँ पर है, आपके आंखों के सामने वो आएगा। तो जो बेस्ट ग्राफिक सेटिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ग्राफिक्स एंड ऑडियो में। अब यहाँ पे आपको ग्राफिक्स दिख रहे हैं स्मूथ, बैलेंस, HD, HDR। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो देखो यार जैसे जैसे आप ग्राफिक्स बढ़ाओगे उसके साथ साथ आपका फोन भी हीट होगा एंड बैटरी भी ज्यादा लगेगी, तो ज्यादातर लोग स्मूथ में ही खेलते हैं, बट डिफरेंस तो होता है। अगर आप ज्यादा ग्राफिक्स बढ़ाओगे तो आपको ज्यादा क्लियर दिखेंगी चीजें, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप खेल सकते हो HDR एक्सट्रीम पे चार्ज वगैरह पे लगा के तो उस पर खेलोगे तो ज्यादा अच्छी स्पॉटिंग होगी। बट बहुत सारे लोगों को ना ये ग्राफिक्स हाई वाले पसंद नहीं आते बिकॉज इसमें चीजें डार्क हो जाती हैं और थोड़ा मुश्किल हो जाता है देखना, बट अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाओगे ना इन सब चीजों की तो वो अच्छा हो जाएगा और ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको। बाकी अभी के लिए मैं स्मूथ एक्सट्रीम पे खेलता हूँ बिकॉज बैटरी भी ज्यादा चलानी है और ज्यादा इफेक्ट भी पड़ता है यार फोन के ऊपर भी अगर आप HDR पे खेलोगे तो। अगर आप खेल सकते हो तो अच्छी बात है, वैसे पूरा ऑप्शनल है क्योंकि स्मूथ में भी आप स्पॉटिंग अच्छी कर सकते हो। ग्राफिक स्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर आपको स्पॉटिंग करनी है घास वगैरह में, तो कौन सा स्टाइल आपको खेलना है वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो क्लासिक में देख लो, थोड़ा सा आपको डल टाइप का दिखेगा, तो ये मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, बट बहुत सारे लोग इस पर भी खेलते हैं बिकॉज ये डिफ़ॉल्ट आता है। और बाकी अगर हम कलरफुल देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आता है। और बाकी रियलिस्टिक वगैरह और जो भी बाकी हैं उनमें से सबसे बेस्ट है यहाँ पे मैं आपको दो बता दे रहा हूँ, कलरफुल एंड सॉफ्ट। अगर इन दोनों में खेलोगे तो बहुत अच्छी स्पॉटिंग। बाकी सबसे बेस्ट मेरे को कलरफुल लगता है तो मैं उसी में खेलता हूँ। बाकी सेटिंग्स में आपको एंटी अलाइजिंग करके एक सेटिंग मिलेगी, तो इसको 2x या 4x क्या करना है, तो सबसे पहले इसका काम जान लेते हैं। तो जो इमेजेस होती है गेम के अंदर उसकी क्वालिटी को इनहेंस करता है, तो ये इसकी ज्यादा जरूरत तो पड़ती नहीं है, बट स्पॉटिंग में ये भी अच्छे से काम करता है। बट मुझे लगता है कि इसका कुछ काम नहीं है क्योंकि मेरे को ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, तो इसको आप क्लोज ही कर दो तो ज्यादा बढ़िया रहे। बाकी ब्राइटनेस की बात करूँ तो यार इन गेम ब्राइटनेस ना आप 120 से लेके 130 के बीच में रखोगे ना तो बेस्ट रहेगा, मतलब इसमें बहुत अच्छी स्पॉटिंग। बाकी मैं 130 रखता हूँ। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे आप बंदे को इजिली स्पॉट कर पाओगे। अगर आप सामने सामने घास वगैरह में स्पॉट करना चाहते हो तो आप अगर कहीं पे भी चल रहे हो तो आपको करना है ना हमेशा जो आई बटन होता है उसको मूव करते रहो, आगे पीछे आप अपने देखते रहोगे बंदा है किधर। बिकॉज काफी सारे बंदे जो न्यू प्लेयर्स होते हैं या फिर पुराने प्लेयर्स भी ना बहुत सारे वो सामने सामने देख के चलते हैं, भाई इधर उधर अगर आप देख के चलोगे ना तो आपकी स्पॉटिंग काफी मस्त हो जाएगी, आपकी आदत हो जाएगी कि आपको इधर उधर देखना है। और इधर उधर देखने में ना थोड़ा सा भी आपको अगर मूवमेंट दिख रही है स्क्रीन के अंदर, कहीं पे भी मूवमेंट दिख रही है ना, तो वहाँ पे एक बार स्कोप खोल के देख लो या फिर क्रॉस हेयर लगा के देखो, और अगर वो बंदा है तो बस उसको फायर करके मार दो, इजीली स्पॉटिंग हो जाती है। तो ये एक ट्रिक थी। और बाकी अगर आप आई
आई बटन से नहीं करना चाहते हो तो आप स्क्रीन भी मूव कर सकते हो। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स वाली स्पॉटिंग के ऊपर, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हमेशा, ज़्यादातर टाइम 90% वही यूज़ होती है। बिकॉज बंदे इधर उधर से मारते हैं, हम उनको ढूंढ ही नहीं पाते और वो हमको मार भी देते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है कि बंदा मार कहाँ से रहा है। तो सबसे बड़ी टिप इसके लिए ये रहेगी कि आप एक अच्छा एयरफोन यूज़ करो, बिकॉज एयरफोन ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और बहुत सारे बंदों को मैंने देखा बिना एयरफोन के खेलते हैं, बिना एयरफोन के तो यार कभी भी स्पॉटिंग नहीं हो सकती। रिफ्लेक्स वाली की बात कर रहा हूँ, इससे पहले वाली जो स्पॉटिंग मैंने आपको बताई थी वो बिना एयरफोन के हो सकती है, बट रिफ्लेक्स वाली स्पॉटिंग नहीं हो सकती। जितना इम्पॉर्टेंट फ़ोन है ना गेम खेलने के लिए, उतना इम्पॉर्टेंट ना एयरफोन भी होता है। अगर आप BGMI खेल रहे हो ना तो उसके लिए एयरफोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा जितने भी e-sports प्लेयर है वो बहुत महंगे महंगे एयरफोन हेडफोन्स लेते हैं, तो उसका भी कोई रीज़न होता है। और मैं जो एयरफोन यूज़ करता हूँ वो एप्पल का ही करता हूँ और इसमें साउंड क्वालिटी काफ़ी मस्त है। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कर लेना। अब जो नॉर्मल सस्ते वाले एयरफोन होते हैं ना उसमें होता क्या है, आवाज़ तो उसमें भी आती है बट अगर बंदा लेफ्ट से आ रहा है तो लेफ्ट से आवाज़ नहीं आएगी, आपको दोनों कानों में आवाज़ आएगी कि बंदा आ रहा है। अब आ कहाँ से रहा है ये कैसे पता करोगे? तो उसके लिए आपको एक अच्छा एयरफोन चाहिए होगा जो कि बिल्कुल एक्यूरेट हो, बिल्कुल भी आवाज़ इधर उधर ना हो। मतलब अगर बंदा लेफ्ट साइड खड़ा है तो कितना लेफ्ट खड़ा है और कहाँ पे खड़ा है ये आपको पता चल जाए। तो ऐसा भी पॉसिबल है बिकॉज मेरे एयरफोन में ये सब चीज़ें होती है और भाई मेरे को जब बंदे स्पेक्टेट करते हैं तो वो यही बोलते हैं, तेरे को कैसे पता कि यहाँ पे बंदा है। तो सबसे बड़ा रोल होता है एयरफोन का, तो एयरफोन अगर आप अच्छे यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका गेम सुधर जाएगा। अब जैसे एयरफोन्स के थ्रू आपको पता चल गया कि फायर आया कहाँ से, तो वहाँ पे आपको मूव करना है और साथ में आपका जो क्रॉस हेयर है उसको वहाँ पे प्लेस करना है। और फिर भी अगर बंदा नहीं दिख रहा है, अब आपको फर्स्ट वाली ट्रिक यूज़ करनी है जो कि आपको खुद आंखों से ढूंढना पड़ेगा बंदे को। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है अब आपको अपनी मूवमेंट शुरू करनी है, बिकॉज वो भी वहाँ से फायर करेगा तो अगर आप एक ही जगह पर खड़े रहोगे तो वो आपको मार देगा। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट मूव करना पड़ेगा और वही लेफ्ट राइट मूवमेंट के दौरान आपको उसका फ्लैश दिख जाएगा, गन का जो फ्लैश होता है वो दिख जाएगा, उसके थ्रू आप इजीली मार सकते हो। और जब आप रिफ्लेक्स मारते हो जहाँ से भी आपको फायर आ रहा है ना वैसे आपको अपनी मूवमेंट शुरू कर देनी है, बिकॉज अगर आप एक ही जगह खड़े होकर फिर स्पॉट कर रहे हो तो भाई दिक्कत हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, स्टार्टिंग में स्पॉट करने में दिक्कतें हो जाती हैं क्योंकि पहले आपको साउंड सेंस सीखना पड़ेगा। साउंड सेंस के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बना दूंगा। बस मूवमेंट करते रहो, उसी में आपको उस बंदे का फ्लैश ढूंढना है, जो भी गन से फ्लैश आ रहा होगा बस वहीं पे फायर कर देना है। तो बस यार फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब करना। और बहुत सारे पॉइंट्स अभी रह भी गए हैं, वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए ज़्यादा पॉइंट्स मैंने इस पर नहीं बताए हैं, बाकी अगर आपको सेकंड पार्ट या फिर कुछ और भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। चलो फिर यार मिलता है अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।